व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको क्योटो का हिस्टोरिक योन डिस्ट्रिक्ट दिखाया था एंड वी ऑल्सो ट्राइड सम ट्रेडिशनल जापानीज फूड। बट इस सिटी में और बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अभी जो यहाँ की मेन दो टूरिस्ट अट्रैक्शन है क्योटो की, वो हम नहीं गए हैं, तो आज के व्लॉग में हम वो कवर करेंगे। दो मेन अट्रैक्शन है क्योटो की, अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो सबसे पहले वही दो अट्रैक्शन आएंगी। एक है यहाँ की बैम्बू फॉरेस्ट या फिर बैम्बू ग्रूव एंड दूसरी एक बहुत ही फेमस श्राइन है। तो आज के व्लॉग में ये दोनों जगह जाएंगे हम। एंड आराशियामा बैम्बू फॉरेस्ट तक जाने के लिए पहले हमें यहाँ से मेट्रो लेनी है क्योटो स्टेशन तक, जो इनका सेंट्रल स्टेशन है, एंड फिर वहाँ से JR की ट्रेन लेनी पड़ेगी। अराउंड 25 मिनट लगेंगे ट्रेन से, थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे है क्योटो के। अब यहाँ से टिकट लेनी है तो सिंगल जर्नी का प्राइस यहाँ पर 220 येन है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने लोगों की चाहिए। अभी दो टिकट यार, एक तो यार सिक्के इतने ज़्यादा कलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ क्योटो की मेट्रो में तो इन्होंने ऐसे ये बैरियर लगाए हुए हैं। Veronica, you know, they should have this in New York. They don't have it in New York? No. And there are so many cases when, you know, psychopaths, they will throw you on the track. Oh my God. So they should have something like this. ये बैरियर न्यूयॉर्क के सबवे में होना चाहिए, वहाँ पर इतने केस होते हैं कि लोग मतलब धक्का दे देते हैं लोगों को। आज यहाँ मौसम पूरा बारिश का हुआ हुआ है, थोड़ी थोड़ी बारिश आ भी रही है। तो ये है इनका मेन क्योटो स्टेशन एंड इसके बिल्कुल सामने वो है क्योटो टावर। सामने से एंट्री है ये JR क्योटो स्टेशन की। JR का स्टेशन डिफरेंट है सबवे स्टेशन से। बैम्बू फॉरेस्ट जाने से पहले सोच रहे हैं कुछ नाश्ता कर लेते हैं यहीं क्योटो स्टेशन पे। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। ब्रेकफास्ट तो थोड़ा यूरोपियन करने का मन था तो ये एक फ्रेंच बेकरी आए हैं। यहाँ पर ये सारी फ्रेश ब्रेड्स वगैरह हैं। लुक्स नाइस। एंड यहाँ पर भी सेम है कि आप अपनी ट्रे लो एंड जो जो आपको चाहिए बस अपनी ट्रे में रख लो, फिर एंड में जाके आपको पे करना है। तो ये सब लिया है हमने। तो पूरे ब्रेकफास्ट के हमने पे किए 1800 येन, अराउंड 1000 रुपये। एंड कॉफ़ी भी आप सामने खुद ले सकते हो जाके, बस उन्होंने ग्लास दे दिया हमें। एंड अब क्योंकि यहाँ से फॉरेस्ट तक जाने के लिए हमें JR की ट्रेन लेनी है, जो जापान रेलवेज़ की ट्रेन होती है, उसके लिए मैंने ऑनलाइन पास ले लिया था यहाँ का JR पास। बट वो अभी फिज़िकल पास में चेंज कराना है यहाँ के ऑफिस से। वैसे तो यहाँ पे मशीन भी लगी होती हैं जिस पे आप अपना पासपोर्ट स्कैन करके एंड ऑनलाइन टिकट JR पास ले सकते हो फिज़िकल। बट क्योंकि हमारा इंडियन पासपोर्ट बायोमेट्रिक पासपोर्ट नहीं है तो इंडियन पासपोर्ट स्कैन नहीं होता, उसके लिए मुझे नॉर्मल ऑफिस ढूंढना पड़ेगा, अपना JR पास चेंज कराना है। मैंने 7 दिन का JR पास लिया है जिसमें अनलिमिटेड बुलेट ट्रेन, अनलिमिटेड JR की सारी ट्रेन इंक्लूडेड है। एंड ये मुझे पड़ा $208 का एक बंदे का। थोड़ा महंगा है बट वैसे अगर आप विदाउट पास ट्रैवल करोगे एंड आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है विद इन जापान, बुलेट ट्रेन्स लेनी है, तो आपको इससे भी महंगा पड़ेगा। तो 100% वर्थ इट है JR पास लेना। आज इतनी लाइन तो नहीं है, जिस दिन हम क्योटो पहुँचे थे कांजाई एयरपोर्ट पे तो मैंने आपको दिखाई थी क्यू। एंड ये जो सामने आप ग्रीन मशीन देख रहे हो, वैसे आप यहाँ से चेंज करा सकते हो अपना पास ऑनलाइन वाला, बट मुझे यहाँ अंदर से कराना पड़ेगा। एक और बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, पासपोर्ट ही लाना भूल गया। एंड JR पास चेंज कराने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है आपको, क्योंकि जो आपकी एंट्री स्टैम्प लगी होती है जापान की इमिग्रेशन पे, ये वो चेक करते हैं। क्योंकि ये जो JR पास है ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए वैलिड होता है, अगर आप रेजिडेंट हो जापान के या फिर सिटीज़न हो तो आप ये JR पास नहीं खरीद सकते। तो अब वापस जाना पड़ेगा होटल, पहले अपना पासपोर्ट लेना पड़ेगा, फिर आएँगे। आई थिंक 1 घंटा वेस्ट होगा। एंड आई आस्क्ड यू बिफोर लीविंग इफ वी शुड टेक पासपोर्ट्स विद अस, सो आर वी चेंजिंग द प्लान और आर वी गोइंग टू द I think we should change the plan a little bit. Okay. And we should go to the shrine first. There is this really famous shrine. Yeah. Okay. And which we can go from subway. तो यार फिर से होटल जाने का तो मन नहीं है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा प्लान चेंज करते हैं। पहले जो सबसे फेमस श्राइन है यहाँ की वो चल लेते हैं, वो तो आप सबवे यूज़ करके जा सकते हो, बट ये जो फॉरेस्ट है इसके लिए JR की ट्रेन लेनी होती है। फिर बाद में आज शाम को या फिर कल अपना पासपोर्ट लेके आएंगे एंड अपना JR पास चेंज करा लेंगे। यार अब तो प्रॉपर बारिश स्टार्ट हो गई है तो ये नहीं पता कि इस वक्त श्राइन जाना भी वर्थ इट है या नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब आउटडोर ही है वहाँ पर। तो सोच रहा हूँ पहले एक बार होटल चलते हैं, इतने एडिटिंग कर लूँगा वीडियो, फिर बारिश रुकने के बाद श्राइन चलेंगे। तो बाहर बारिश में तो घूमने का कोई फ़ायदा नहीं था, इतने वापस होटल ही आ गया, यहाँ इनकी लॉबी में बैठ के इतने वीडियो एडिट कर लूँगा जितने बारिश रुकेगी। तो बैम्बू फॉरेस्ट या फिर श्राइन जाने का तो फ़ायदा नहीं था, बट पास में मैंने आपको लास्ट व्लॉग में एक मार्केट दिखाई थी, स्ट्रीट फूड मार्केट,
वहाँ हम रात को गए थे तो रात को बंद थी एंड वो क्लोज मार्केट थी, तो हमने सोचा कि वहाँ चले जाते हैं, वो हमारे होटल से बहुत ही पास है। तो एक बार इस जापानी स्टोर में आए थे, यहाँ पर इतनी अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। एक तो सबसे पहले जो मुझे अजीब चीज़ लगी वो है ये आइस रिंग। ये काफ़ी लोगों को मैंने पहने हुए भी देखा। ये बेसिकली आपको क्या करना होता है कि इसे फ्रीज़र में रख दो, ये ठंडी हो जाएगी, फिर आप अपनी ऐसी गर्दन पे पहन लो। उसके अलावा यहाँ पर जापान में हर बंदा यार ऐसे ये छोटे छोटे पंखे लेके घूमता है साथ में गर्मी में। तो ये पंखा भी है यहाँ पर जो आप अपने कॉलर पे पहन लो एंड तीनों जगह से आपको हवा आएगी। जापानीज़ लोग इतनी अजीब अजीब चीज़ बनाते हैं। ये भी हेडफोन नहीं है, ये भी कानों के लिए पंखे हैं। एंड अब एक बार यहाँ एप्पल स्टोर आए थे, मुझे एयरटैग्स लेने थे। एंड एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता, वर्ल्ड में अमेरिका के बाद सबसे सस्ता कहीं आईफोन मिलेगा आपको तो यहाँ जापान में है। ऑलमोस्ट सेम प्राइस है यूएस वाले। तो अगर आपको कोई भी एप्पल प्रोडक्ट लेने हैं आप जापान आ रहे हो तो 100% वर्थ इट है। दुबई से भी सस्ता है यहाँ पे। आज बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, सारी दुकानें खुली हुई हैं, अब ढंग से देख पाएंगे ये मार्केट। पिछले दो दिन से जब भी यहाँ रात को आ रहे थे हमेशा सारी दुकानें बंद थी। पूरी मार्केट का आपको वॉक थ्रू दे देता हूँ। यहाँ जापान में फास्ट फूड प्लेसेस इतनी कम है, सिर्फ एक मैकडॉनल्ड्स देखा था मैंने। यहाँ पर ये वेंडीज़ है, हर दुकान पे आपको ऐसे टैक्स फ्री का बोर्ड मिलेगा। अगर आप टूरिस्ट हो तो 10% डिस्काउंट हैंड टू हैंड ले सकते हो। अब वेरोनिका थोड़ा बहुत जापानी स्किन केयर ले रही है। मुझे तो बस एक चीज़ लेनी है यहाँ से, ये इंस्टेंट रामन। जिस रेस्टोरेंट पे हमने रामन खाई थी ये उन्हीं की इंस्टेंट रामन है, तो दो तीन डब्बे इसके ले लेता हूँ। तो इसके अंदर अब ये 10 सर्विंग है। इंडिया में कभी मन करेगा खाने का उसके लिए लिया, तो ये इतना सारा सामान लिया है वेरोनिका ने। आई थिंक ये स्किन केयर ही 8-10 हज़ार रुपये का आ जाएगा। एंड जैसा मैं आपको बता रहा था कि हर जगह अगर आप टूरिस्ट हो तो टैक्स फ्री शॉपिंग कर सकते हो, तो ये भी हमने टैक्स फ्री पे लिया है। तो ये इन्होंने ये स्पेशल बैग में दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है जापान टैक्स फ्री शॉप। एंड ये हम इंडिया जाने तक खोल नहीं सकते, अगर ये बैग हमने खोल दिया तो एयरपोर्ट पे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब लंच के लिए जा रहे हैं एक और सुशी रेस्टोरेंट। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लास्ट बार गए थे कि पर प्लेट के चार्जेस हैं। यहाँ पर ये प्लेट बनाई हुई है, कौन सी प्लेट के कितने रुपए हैं। एंड सेम सिस्टम है कि ये आती रहेंगी सुशी, जो आपको खाना है आप उठाओ एंड सीधा खाओ। एंड एक और चीज़ जो जापान में बहुत ज़्यादा फेमस है वो है किटकैट। इंडिया में तो शायद एक या दो फ्लेवर आते होंगे किटकैट के, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में 3-4 फ्लेवर ही आते हैं, बट जापान में 100 से ज़्यादा फ्लेवर हैं किटकैट के। इस वाली मार्केट में थोड़े बहुत लगे हुए हैं। ये है माचा, स्ट्रॉबेरी, मिल्क टी, चाय फ्लेवर, नीचे ये ऑरेंज फ्लेवर है। यहाँ तो 4-5 ही लगे हुए हैं बट 100 से ऊपर फ्लेवर आते हैं। सो गाइज इज द नेक्स्ट डे नाउ। कल तो आपको पता है कि जो जो हमें अट्रैक्शन विजिट करनी थी हम कोई भी नहीं कर पाए थे, पूरा दिन बारिश हो रही थी, इसलिए आज सुबह जल्दी निकले हैं। एंड आज फॉर्चुनेटली गूगल के हिसाब से तो पूरा दिन बारिश नहीं होगी, बट यहाँ जापान में गूगल को भी नहीं ट्रस्ट कर सकते क्योंकि गूगल के हिसाब से तो कल भी बारिश नहीं होनी थी एंड कल पूरा दिन बारिश हो रही थी। तो अब सुबह सुबह आज फाइनली जा रहे हैं अपनी पहली अट्रैक्शन द बैम्बू फॉरेस्ट। उसके लिए यहाँ से हमें फिर से जाना पड़ेगा क्योटो स्टेशन, जैसा आपको पता है जो सेंट्रल स्टेशन है, एंड फिर वहाँ से 20 मिनट की ट्रेन डायरेक्टली टू द बैम्बू फॉरेस्ट। जापान में बस के लिए आपके पास हमेशा एग्जैक्ट चेंज होना चाहिए क्योंकि बस वाले आपको चेंज नहीं देंगे। 230 येन की एक बस टिकट होती है। एंड आज अभी तो क्लाउडी था जब होटल से निकले थे, अब 5 मिनट बाद ही इतनी तेज़ धूप निकल गई है। यहाँ काउंटर पे आके बस अभी अपना जीआर पास चेंज कराया है। एंड यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका जीआर पास खो जाता है, चोरी हो जाता है या फिर धुल भी जाता है तो ये री इशू नहीं होगा, तो बहुत ध्यान से रखना अपना जीआर पास। तो ऑनलाइन रिजर्वेशन के बदले ये मिला है, ये है जीआर वेस्ट रेल पास। एंड साथ में मैंने यहीं से ये रिजर्वेशन भी करा ली क्योंकि परसों हमें ओसाका जाना है पहले, फिर ओसाका से हिरोशिमा, तो उसकी भी रिजर्वेशन कराने आपको काउंटर ही आना पड़ता है, तो वो भी मैंने करा ली। तो अब यहाँ सेंट्रल स्टेशन से हमें ट्रेन लेनी है जो 11:08 पे है, ये लेना मत भूलना कभी भी। एक चीज़ जो मुझे जापान में हर जगह दिखी है अभी तक, चाहे फिर वो कोई भी सबवे स्टेशन हो, कोई भी ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट, वो है ऐसे ये कॉइन लॉकर्स।
जिसमें आप अपना सामान स्टोर कर सकते हो। इसमें बस सिक्के डालो जितने टाइम के लिए आपको अपना सामान रखना है। ये बहुत सही चीज़ लगी मुझे, हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बार ऐसा होता है जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ कि मुझे थोड़ी देर के लिए किसी सिटी में घूमने जाना होता है तो अपना सामान रखने के लिए कोई जगह मिलती नहीं है। तो जापान में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस स्टेशन पे ट्रेन ने उतारा है इसका नाम है सागा अराशियामा, क्योंकि जो फॉरेस्ट का नाम है वो भी अराशियामा बैम्बू ग्रूव फॉरेस्ट है। एंड अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप बस ले सकते हो फॉरेस्ट तक की, वो आई थिंक आपको 5 मिनट में उतार देगी, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा एंड भीड़ भी काफ़ी होती है। तो हम तो वॉक करके जा रहे हैं, बाय वॉकिंग मुश्किल से 12-13 मिनट की वॉक है। सबसे बेस्ट टाइम तो इस फॉरेस्ट में जाने का बिल्कुल सुबह सुबह है 7-8 बजे, बट यार उठना इतना मुश्किल है एंड उस टाइम पे भीड़ भी बिल्कुल नहीं होती। अब तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है एंड गर्मी भी काफ़ी है आज, क्योंकि कल पूरा दिन बारिश हो रही थी एंड आज धूप निकली हुई है तो ह्यूमिड वेदर हो गया। तो अगर आप सुबह 5 बजे उठ सकते हो तो सुबह सुबह जाना, सुबह आई थिंक बिल्कुल अलग ही फील होगी जब आप अकेले होगे बिल्कुल पूरी फॉरेस्ट में। रास्ते में ये कितना सुंदर सा जापानीज टेम्पल आया, ये तो पता था कि भीड़ होगी बट इस लेवल पर भीड़ होगी यार ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड आज ट्यूसडे है तो ऐसा भी नहीं है कि कोई वीकेंड है, तो ऑलमोस्ट हर बंदा यहाँ पर ये टूरिस्ट ही होगा। तो यहाँ से स्टार्ट है ये बैम्बू फॉरेस्ट, ये जितने भी आप पेड़ देख रहे हो ये सारे बैम्बू के पेड़ हैं। तो ये काफ़ी बड़ी फॉरेस्ट है एंड इस फॉरेस्ट के आसपास बहुत सारे ऐसे ये जापानीज टेंपल्स भी हैं। मुझे पक्का तो नहीं पता बट आई थिंक ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैम्बू फॉरेस्ट है। बस अब यहाँ आके फॉरेस्ट ख़त्म हुई है, टोटल आई थिंक 1 किलोमीटर की वॉक होगी एंड इसके बाद सामने जाके 2-3 टेंपल और हैं बट हम जा रहे हैं वापस। सो गाइज ये थी क्योटो की फेमस बैम्बू फॉरेस्ट, बहुत ही अच्छी जगह है, 100% रिकमेंड करूँगा यहाँ पर आना, बिल्कुल यूनिक फॉरेस्ट है, बहुत ही काम एंड पीसफुल जगह है। ये एक और टेम्पल मेरे सामने आ गया, तेनरियूजी टेम्पल। ऐसे छोटे छोटे टेम्पल हर जगह हैं पूरी फॉरेस्ट में, बट अगर आपको टेम्पल के अंदर जाना है तो उसके लिए एंट्री टिकट है 500 येन की।